एपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी हत्याकांड में पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त चाकू को बरामद कर लिया है। इसे छिपाने वाले जिरात गांव निवासी मोहम्मद मोतियूर रहमान के पुत्र मोहम्मद मंजूर को भी गिरफ्तार किया गया है। इस हत्या में इसे लेकर अब तक 5 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मोहम्मद काजिम, मोहम्मद सितारे, मोहम्मद छोटे लहरी और मोहम्मद आजाद को भी पकड़ा जा चुका है। एसएसपी जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी ने बुधवार को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि हत्याकांड का मुख्य अभियुक्त काजिम अंसारी और मोहम्मद छोटे ही है। जीतन सहनी सूद का कारोबार करते थे। अभियुक्तों के बयान और आमने सामने बिठाकर जब पूछताछ की गई तो हत्या में प्रयुक्त चाकू का पता चला। उनको और किसी पर शक है क्या? तो वही हम बता रहे, पहले हमको एक कागज उन्होंने दिया, मारपीट किया, पहले चाबी को खोजने की कोशिश किया लोग, तब तक वो जग गए थे, क्योंकि जगने के बाद फिर वहाँ विरोध हुआ, विरोध के बाद उनका हत्या करके ये लोग बाद में संदूक लेके चले गए। संदूक पुलिस को बरामद हुआ तालाब से, तो क्या उसमें ताला लगा हुआ था? जी, ताला लगा हुआ। सर, मम्मी थाने की पुलिस को पिटाई का आरोप कैसे अस्पताल में भर्ती क्या है? जी, सूचना प्राप्त हुआ है कि हम डीएसपी जो हमारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर है उनको बोले हैं कि जांच करके हमको रिपोर्ट दें और जो भी दोषी पाएंगे उसके ऊपर कार्रवाई। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से कमर कस ली है और कार्यकर्ताओं को टास्क दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ घाटशिला विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे तो घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए कई नेता कतार में हैं, लेकिन कार्यक्रमों की अगर हम बात करें तो लगातार विधानसभा चुनाव को लेकर बैठकें और कार्यक्रम भी आयोजित की जा रही हैं। लेकिन देखना यह दिलचस्प होगा कि घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी इस बार किसे अपना उम्मीदवार बनाती है। और सिरघाटी में कोर्ट परिसर में हुए घटना मामले में अब अनुसंधान जो है वो शुरू हो गया है। घटना के संबंध में आमस थाना द्वारा मामले में शिकायत दर्ज कर अनुसंधान की जो प्रक्रिया है उसको प्रारंभ किया गया है। वरीय पुलिस अधीक्षक गया द्वारा इस घटना में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु नगर पुलिस अधीक्षक गया के नेतृत्व में गठित विशेष टीम के पुलिस पदाधिकारियों के साथ साथ सिरघाटी कोर्ट परिसर पहुंचकर घटनास्थल और उसके आसपास के क्षेत्रों का गहन निरीक्षण किया गया है और पूरी जांच इस मामले में की जा रही है। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है और यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। 26 से अधिक पेटेंट पब्लिश हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहाँ की फैकल्टीज और स्टूडेंट 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे एमेजॉन, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन और जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलेवर जैसी 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गया है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निशार अख्तर को अमेजोन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44 लाख 50 हजार का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी 10 माइल चौक रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।